Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Vaseem, your assistant teacher from Smart Indian Model School. So, students, as you know, we have completed three chapters, first in history, first in geography, and first in civics. So now we are going to start second chapter, you know, in civics. This is your book, okay? So chapter number is third, but now we are starting chapter third. Okay, what is government? Okay, so as you know, what is government? इसके बारे में हम देखते हैं government के बारे में. Okay, government होती क्या है, करती क्या है. So इसके role क्या क्या है, जैसे हमारी government है. Okay, वैसे तो आप देखते simple सा stand पे जो हमारे main दो government है, central government और state government, और एक local level पे बनाई गई है local government. Okay. So now we are starting from here, page number 31. Okay, as I told you about the democracy, कि हमने डेमोक्रेसी के बारे में बताया था कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको कहा जाता है जिसमें लोगों के थ्रू उसको चुना जाए. अब now we are talking about another form of government is monarchy. Monarchy system क्या होता है, अब देखिए, this is very important for you. Okay, the monarch, king or queen, मतलब राजा या कोई रानी, has the power to make decision and run the government. इसमें क्या होता है, monarch में जो मोनार्की गवर्नमेंट होती है, इसमें एक राजा हो सकता है या फिर रानी हो सकती है, उसके हाथ में सारी पावर होती है और वही सारे डिसीजन लेती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं. द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस मैटर विद. मोनार्क में ऐसा हो सकता है कि हाँ, इसमें कोई ग्रुप भी हो सकता है, छोटा ग्रुप का मतलब होता है कुछ लोग हो सकते हैं उसके अंदर, वो लोग डिसीजन पर बात भी कर सकते हैं. बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो राजा के थ्रू या क्वीन के थ्रू लिया जाएगा. सो अनलाइक इन डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डोंट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक. हाँ, इसमें ये देख सकते हैं कि हम कि ये डेमोक्रेसी एक तरीके से राजा की डेमोक्रेसी, राजा के पास सारी पावर है, तो ये राजा या रानी कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं करती हैं, वो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं, कुछ नहीं. ठीक है ना, तो उनका सिंपल सा मतलब होता है उनको बस खाली रूल करना है. उनका अगर एक दो जनों का या 8-10 का ग्रुप हुआ, सही है, डिस्कस किया बात को, उसके बाद ख़त्म. लेकिन डिसीजन वो कोई भी कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उनको पर डिपेंड करता है. इसके लिए आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का कानून है, उसमें जो वहाँ के शेख होते हैं, राजा होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, इसके अलावा वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो बनाई जाती है वो लोगों के थ्रू बनाई जाती है, और उसके बाद जो डिसीज़न लेंगे, वो कानून बनाएंगे, वो सब गवर्नमेंट की बनाएगी, लेकिन उसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन होगा. इट मीन्स वो लोगों को एक्सप्लेन भी करेंगे. सो आई थिंक ये मोनार्की सिस्टम और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्लियर हो गया होगा. इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 32. We are talking about a democratic government. Okay, these are the questions you can read. आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. So now, we are starting from here. Democratic government क्या होती है? In India, India is a democracy. India आपको मालूम है कि democracy है. This so हमने बताया इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. तो ये डेमोक्रेसी जो बनाई गई है इंडिया को, तो ये मालूम ही होगा कि बहुत लंबा एक इवेंटफुल स्ट्रगल था और यादगार, जिसको कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसे हमने बताया कि बहुत लंबा स्ट्रगल करने के बाद जब जाके इंडिया के लोग को अचीवमेंट मिली थी स्ट्रगल करने के बाद. देर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसी. बहुत सारे दुनिया में ऐसी, ये देखा जाए, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने फाइट की है, स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी पाने के लिए. यू नो नाउ दैट द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर. लेकिन हाँ, जो मेन रिजल्ट होता ना, मेन फीचर क्या है,
कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास पावर होती है अपने नेता को चुनने के, लीडर्स कहते हैं नेता को। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। तो ये हम कह सकते हैं कि जो रूल होता है वो लोगों का होता है, ठीक है ना। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिक आइडिया से ये माना जाता है कि लोग रूल करते हैं अपने पार्टिसिपेटिंग के अकॉर्डिंग, मतलब क्योंकि लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग नेता को चुनते हैं, फिर नेता आते हैं और उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आई थिंक इतना तो क्लियर होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनी जाती है लोगों के थ्रू जाती है, पीपल के थ्रू चुनी जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजली रेफर्ड टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आज हमारे टाइम पे इसको रेफर किया जाता है वो किस तरीके से, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ MLA होते हैं, MP होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये तो ये इनके थ्रू चुना जाता है। हमारी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक है वो रिप्रेजेंटेटिव है, क्यों है? क्योंकि इन तो जैसा हमने बताया था कि इसमें लोगों के थ्रू चुना जाता है और लोग पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आवर टाइम्स आर यूजली रेफर टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डोंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इसमें डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को चुन लेते हैं। हम किसको चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे हमारा आजम खान हो गए, बलदेव सिंह ओलख हो गए, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इनको हम इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। क्या मिलते हैं? ये लोग मिलते हैं आपस में और मिलने के बाद पूरी कंट्री के लिए पॉपुलेशन की डिसीजन बनाते हैं। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज द वट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इस टाइम पे जो है आजकल गवर्नमेंट अपने आप को इट सेल्फ अपने आप गवर्नमेंट नहीं बनाती जब तक कि उसको यूनिवर्सल एल्डर फ्रेंचाइज। ये क्या होता है? इसमें जो लोग 18 से अबव हो जाते हैं वोट डालते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर जाके गवर्नमेंट बनती है। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मतलब है कि जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट कहते हैं युवा को, जवान को, जो 18 प्लस होते हैं उनको अडल्ट्स कहा जाता है, वो लोग वोट डालते हैं, जब जाकर रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो गवर्नमेंट बन जाती है। सो आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा वो सारा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर मोर। ओके, इट्स एनफ फ्रॉम माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।